इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। काबुल में भारतीय कॉन्सुलेट में घुसे तालिबान दस्तावेज तलाशे, कैंपस में खड़ी कार अपने साथ ले गए। तालिबान लड़ाकों ने कांधार और हेरात में भारतीय कॉन्सुलेट में तलाशी ली। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के इशारे पर भारतीय कॉन्सुलेट में घुसे। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी पॉप स्टार आरियाना सईद ने छोड़ा देश। काबुल से अमेरिकन कार्गो विमान से पहुंची कतर, तुर्की जाने का इंतजार। आरियाना सईद ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की अमेरिकी ग्लोब मास्टर के अंदर की तस्वीर, कहा मुझे लगा है गहरा सदमा। अफगानिस्तान की मशहूर खिलाड़ी कीमिया यूसेफी ने ईरान में शरण ली। टोक्यो ओलंपिक में अफगानिस्तान के ध्वजवाहक थी कीमिया। अभी ईरान के शरणार्थी स्थल में रहती हैं कीमिया यूसेफी। तालिबान आतंकियों के डर से अपने देश नहीं लौटना चाहती। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी विमान से गिरने से हुई मौत के मामले में खुलासा। मारा गया शख्स अफगानिस्तान का फुटबॉलर जाकी अनवरी था। काबुल में एक लड़की की दिलेरी सामने आई। तालिबान के लड़ाकों से कहा मेरे हाथ में बंदूक होती तो सबको गोली मार देती। अफगानिस्तान में फंसे और भारतीयों को निकालने की तैयारी। वायुसेना का विमान पहुंचा ताजिकिस्तान। काबुल लैंड करने की अब तक इजाजत नहीं मिली। लैंडिंग की मंजूरी मिलते ही C-17 से भारत लाए जाएंगे 280 लोग। इसमें 220 भारतीय और 60 अफगानिस्तान के नागरिक शामिल हैं। वायुसेना के एक विमान हिंडन एयरबेस पर भी तैयार। वायुसेना विमान के काबुल में लैंडिंग के लिए नेटो सेनाओं के साथ कर रही है तालमेल। काबुल गुरुद्वारा कमेटी संघ तालिबान ने की मीटिंग, कहा हिंदू और सिखों को नहीं किया जाएगा परेशान। काबुल एयरपोर्ट से दिल दहलाने वाली तस्वीरें आना जारी। कई महिलाओं ने अपने छोटे छोटे बच्चों को जान बचाने के लिए अमेरिकी सुरक्षा बलों के हवाले किया। बच्चों को अपने हाथ में लेने के लिए काबुल एयरपोर्ट की दीवार पर सीढ़ी लगाकर चढ़े अमेरिकी जवान। दीवार पर लगी कटीली तार के बीच मासूमों को अंदर लेकर भी गए। काबुल एयरपोर्ट के बाहर आज भी भारी भीड़। एयरपोर्ट के बाहर पहुंचे हजारों लोग। एयरपोर्ट के बाहर अफरा तफरी। तालिबान के खिलाफ लोगों में बगावत तेज। अफगानिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर लोगों ने फहराया 200 मीटर लंबा राष्ट्रीय झंडा। अफगानिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। काबुल के अब्दुल हक चौराहे पर एक शख्स ऊंचे पोल पर चढ़ा, तालिबान के झंडे की जगह अफगानिस्तान का झंडा लहराया। अफगानिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर काबुल समेत कई शहरों में निकाली गई रैली। तालिबान लड़ाकों के सामने महिलाओं के झुंड ने रैली निकाली। जगह जगह अफगानिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज देखकर तालिबानी बौखलाए। एक शख्स से झंडा छीनकर पिटाई की। जगह जगह राष्ट्रीय झंडे देखकर आउट ऑफ कंट्रोल हुए तालिबान के लड़ाके। एक कार को रोककर झंडा छीना, कार सवार की पिटाई की। एक महिला ने राष्ट्रीय झंडा छीने जाने का विरोध किया, राष्ट्रीय ध्वज को चूमा, कहा इसे मेरा कफन बना दो। तालिबान के टेरर के कारण काबुल से लोगों को निकालने के मिशन में अड़ंगा। 14 अगस्त से अब तक केवल 7,000 सिविलियन पहुंचे अमेरिका। फिर आई अमेरिकी C-17 ग्लोब मास्टर से हैरान करने वाली तस्वीर। एक विमान में सैकड़ों लोग सवार। काबुल से रेस्क्यू किए गए सैकड़ों अफगान नागरिक पहुंचे कतर। अमेरिकी फौज ने कतर के एक हैंगर में रखा। हैंगर में सैकड़ों लोगों के लिए केवल एक टॉयलेट। अफगानिस्तान के हालात पर नेटो की इमरजेंसी मीटिंग, 30 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। अफगानिस्तान के हालात पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ बैठक। काबुल एयरपोर्ट पर ऑपरेशन को लेकर हुई चर्चा। तालिबान प्रवक्ता ने कहा अफगानिस्तान में समावेशी सरकार बनाने की कोशिश जारी। तालिबान के अलावा दूसरे राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल होंगे। तालिबान प्रवक्ता ने कहा हम दूसरे देशों से अच्छे रिश्ते चाहते हैं, अपने देश की धरती का आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तुर्की के राष्ट्रपति ने तालिबान का खुलकर समर्थन किया, कहा जरूरी हुआ तो तालिबान सरकार से बात करेंगे। रूस के विदेश मंत्री ने कहा तालिबान को मान्यता देने की जल्दबाजी नहीं, लेकिन तालिबान से मिले सकारात्मक संकेत। अफगानिस्तान को लेकर ओवैसी ने दिया विवादित बयान, तालिबान के अत्याचार की तुलना भारत से की, कहा भारत के महिलाओं की हालत पर चर्चा क्यों नहीं होती। ओवैसी ने पूछा अखलाक पहलू खान तबरेज की पत्नी की चर्चा क्यों नहीं होती, सभी की भीड़ के हाथों हाथ मौत हुई थी। ओवैसी के बयान पर भड़की केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे, महिलाओं और अपने समुदाय के लोगों की रक्षा के लिए अफगानिस्तान भेजने को कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने तालिबान का नाम लिए बिना आतंकवाद पर किया करारा प्रहार, कहा कभी स्थायी नहीं हो सकता आतंकवाद। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता, जितनी बार तोड़ा गया उतनी बार उठ खड़ा हुआ सोमनाथ मंदिर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सोमनाथ मंदिर दुनिया के लिए भरोसा, तोड़ने वाली शक्तियों का अस्तित्व नहीं होगा स्थायी। सोमनाथ को प्रधानमंत्री मोदी ने सौगात दी। सोमनाथ समुद्र दर्शन पैदल पथ और सोमनाथ म्यूजियम का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने कहा आजादी के 75वें साल में और भव्य दिखेगा सोमनाथ मंदिर। सूरत के एक परिवार ने किया सोमनाथ मंदिर के लिए सबसे बड़ा दान, हीरे के कारोबारी ने दिए 25 करोड़ रुपए। महाराष्ट्र के वाशिम में बीजेपी नेता किरीट सोमैया के काफिले पर हमला, शिव सैनिकों ने पत्थर फेंके, गाड़ी पर स्याही भी फेंकी। सोमैया ने शिवसेना सांसद भावना गवली के कारखाने पर घोटाले का आरोप लगाया था। जायजा लेने जाने पर शिव सैनिकों ने दिखाए काले झंडे, पुलिस ने शिव सैनिकों पर लाठीचार्ज किया। अगले 15 दिन के अंदर होगा यूपी कैबिनेट का विस्तार। सूत्रों के मुताबिक 5 से 7 नए मंत्री शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी ने भारत में ब्रिटेन के राजदूत एलेक्स से की मुलाकात, एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम को लेकर मिले। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह भी मौजूद रहे। यूपी चुनाव में गठबंधन कर सकती है बीजेपी और जेडीयू। जेडीयू का दावा बिहार से सटी यूपी की 2 दर्जन सीटों पर पार्टी का प्रभाव।
आरजेडी में विवाद बढ़ा, तेज प्रताप बोले प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद पर कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी की किसी भी गतिविधि में हिस्सा नहीं लूंगा। तेज प्रताप के बयान पर बोले जगदानंद सिंह, मुझे नहीं मालूम कि वो नाराज है, वो छोटी सी बात को मुद्दा बनाना चाहते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू ने पार्टी और सरकार में तालमेल के लिए 10 सदस्यों की पॉलिसी ग्रुप बनाया, अमरिंदर सिंह अध्यक्षता करेंगे। अमरिंदर और सिद्धू के बीच बैठक के बाद ग्रुप का ऐलान हुआ। ग्रुप में सिद्धू के अलावा पंजाब कांग्रेस के 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी शामिल होंगे। पंजाब कांग्रेस भवन में मंत्रियों के रोस्टर के बैठने के प्रस्ताव पर हुई बैठक, प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट की तस्वीर। सोनिया गांधी ने आज बुलाई विपक्ष की बड़ी बैठक, शरद पवार, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे समेत कई नेता होंगे वर्चुअली शामिल। संजय राउत ने कहा सोनिया की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्धव ठाकरे शामिल होंगे, 2024 लोकसभा चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा का दूसरा दिन, जगह जगह किया गया राणे का सम्मान। कल मुंबई पुलिस ने रैली निकालने पर 19 FIR दर्ज की थी। शुद्धिकरण पर नारायण राणे ने किया शिवसेना पर पलटवार, पूछा मुझे रोकने के लिए क्यों नहीं तनकर खड़े हुए उद्धव ठाकरे। थाने शहर के भिवंडी में MNS कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, टोल नाके पर जमकर तोड़फोड़ की। देहरादून पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, 2 दिन उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे नड्डा। ट्विटर के बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम ने भी राहुल गांधी की पोस्ट को हटाया, दिल्ली में रेप मर्डर पीड़ित परिवार की पहचान उजागर की थी। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में एनकाउंटर, पामपोर इलाके में सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को मार गिराया। असम राइफल्स की लुंगलेई बटालियन ने मिजोरम में भारत म्यांमार सीमा के पास हथियारों और गोला बारूद का जखीरा बरामद किया। 3 पिस्तौलें, 174 कारतूस, 3 किलो विस्फोटक, 9 डेटोनेटर और मोबाइल फोन ID बरामद। NIA ने अमृतसर में ड्रोन से विस्फोटक गिराने के केस को अपने हाथ में लिया, टिफिन में मिले थे विस्फोटक। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार पंजाब के पूर्व DGP सुमेध सिंह सैनी की रिहाई का आदेश दिया, गिरफ्तारी को कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती आज, राहुल गांधी ने वीरभूमि पर जाकर श्रद्धांजलि दी, गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी ने भी श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजीव गांधी को याद किया, ट्विटर पर ट्रिब्यूट किया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाएगी यूपी सरकार, राजीव गांधी की जयंती पर लिया फैसला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस के दफ्तर पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। CBI ने बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की जांच के लिए बनाई 4 SIT, कलकत्ता हाईकोर्ट ने कल CBI को सौंपी थी जांच। 16 महीने बाद कल से रात में हो सकेगा ताजमहल का दीदार, प्रशासन ने इस महीने हफ्ते में 3 दिन 150 लोगों को एंट्री की इजाजत दी। भारतीय सेना के जवानों ने किया गन ड्रिल का प्रदर्शन, ईस्ट सिक्किम में हुआ गन ड्रिल। बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए 5 एम्बुलेंस दान की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंसेस को रवाना किया। कटक के सांसद भृतहरि मेहताब की बहू ने पुलिस में शिकायत की, पति और सास ससुर पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर तंज कसा, कहा उम्मीद करता हूं 2024 तक कांग्रेस पार्टी अपना अध्यक्ष चुन लेगी। उत्तर प्रदेश में पूर्व मंत्री बशीर चौधरी गिरफ्तार हुए, बशीर के खिलाफ आगरा में दर्ज हुआ था ट्रिपल तलाक का मामला। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत और बिगड़ी, लखनऊ के PGI में वेंटिलेटर पर हैं कल्याण सिंह, डॉक्टर्स के मुताबिक डायलिसिस किया जा रहा है। कानपुर के विकास दुबे एनकाउंटर की जांच के लिए बने 3 सदस्यों के आयोग ने पुलिस को क्लीन चिट दी, कहा पुलिस के दावे और सबूत में अंतर नहीं है। भिवानी में एक शख्स को 3-4 लोगों ने दिन दहाड़े लाठी डंडों से पीट पीट कर अधमरा किया, बेखौफ बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। यूपी के अमरोहा में एक व्यक्ति को पेड़ से बांधकर पीटने का वीडियो वायरल, एक व्यक्ति गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस और सर्विलांस SOG की टीम ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया, 2 लोग गिरफ्तार हुए, 2 फरार। ग्वालियर पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिस कर्मियों को वर्दी में ड्यूटी करने के आदेश दिए, CSP और एडिशनल SP को निगरानी रखने के निर्देश। तेलंगाना में हैदराबाद पुलिस ने जाली नोट छापने वाले 5 लोगों को अरेस्ट किया, 16 लाख रुपए की फेक करेंसी बरामद। मुजरम में 2 अलग अलग जगहों पर असम राइफल्स ने विदेशी मूल की सिगरेट के 502 केस बरामद किए, जब्त सामान की कीमत 6,52,00,000। नोएडा में बदमाशों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर कलेक्शन एजेंट से 1,50,000 लूट कर फरार। कुल्लू में वैष्णो देवी मंदिर के पास एक बस में आग लगी, पार्किंग में खड़ी थी बस, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। अफगानिस्तान में तख्ता पलट होने से सूरत के कारोबारियों का भारी नुकसान, बुरके के लिए 400-500 करोड़ रुपए का कपड़ा जाता था अफगानिस्तान। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में महिलाओं ने बनाया रक्षाबंधन का त्यौहार, BSF के जवानों को राखी बांधी। यूपी में अब रविवार का लॉकडाउन खत्म, अब हफ्ते के सभी 7 दिन खुलेंगे बाजार, CM योगी ने Team 9 की बैठक में आदेश दिए। देश में एक दिन में कोरोना के 36,000 से ज्यादा नए मामले, 24 घंटे में 543 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल के कलबुर्गी में बाजार में वर्मा लक्ष्मी पूजा का सामान लेने के लिए उमड़ी भीड़, बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के कोरोना नियमों का उल्लंघन किया। कर्नाटक सरकार ने राज्य में गणेश चतुर्थी के पब्लिक सेलिब्रेशन पर रोक लगाई, कोरोना महामारी की वजह से फैसला। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर सिडनी में सितंबर तक बढ़ा लॉकडाउन, जून से शहर में लागू है बंदिशें, अब घर के बाहर मास्क पहनना जरूरी। दिल्ली के कई इलाकों में जोरदार बारिश, उमस भरे मौसम से लोगों को राहत मिली।
ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे पर भयंकर लैंडस्लाइड, शिवमूर्ति तोता घाटी और सौद पानी के पास रास्ता ब्लॉक। यूपी के गैंगस्टर्स पर शामली के एसपी का खौफ, गैंगस्टर ने किया सरेंडर, बोला मुझे जेल भेज दो। हरियाणा के पंचकुला में पार्किंग को लेकर विवाद, बदमाशों ने एक शख्स के घर जाकर पिटाई की, चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने समयपुर बादली में फायर ब्रिगेड के जवान से बदसुलूकी की, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस कांस्टेबल पर केस दर्ज। चीन ने 3 बच्चे पैदा करने की नीति को मंजूरी दी, ज्यादा बच्चे होने पर परिवार को अब सरकार आर्थिक और दूसरी मदद भी देगी। अमेरिकी संसद के बाहर विस्फोटक से लदे संदिग्ध ट्रक की खबर से मची सनसनी, दावा करने वाले शख्स ने किया सरेंडर, पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लिया, ट्रक की जांच जारी, आरोपी के घर की तलाशी। टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली पोलैंड की मारिया आंद्रजेक ने अपना मेडल नीलाम किया, 8 महीने के बच्चे की हार्ट सर्जरी के लिए नीलामी की। बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी के शेड्यूल में परिवर्तन किया, अब 5 जनवरी से 20 मार्च तक होगा टूर्नामेंट। फास्ट एंड फ्यूरियस 10 की रिलीज का ऐलान, 7 अप्रैल 2023 को अमेरिका के सिनेमाघरों में आएगी फिल्म। और इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न ने पंकज त्रिपाठी को दिया सम्मान, एक्टर को डायवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से नवाजा गया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।